फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक आई शेडो पैलेट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने परचेस किया है ऑनलाइन। अमेजोन से मैंने मंगवाया है और ये पैलेट है मेकअप रेवोल्यूशन लंदन की, जो कि आप देख रहे हैं। हम इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, पैकेजिंग, प्राइस एंड ऑल सारे कुछ डिटेल्स में जानेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा मेरी इस वीडियो के साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस पैलेट को। सबसे पहले ये इसकी पैकेजिंग काफ़ी क्यूट है, काफ़ी छोटी सी पैलेट है, लेकिन कलर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। 12 कलर्स इसमें आपको मिलते हैं। बेसिकली ये पैलेट स्मोकी आई क्रिएट करने के लिए है, तो यदि आप स्मोकी आई क्रिएट करना चाहते हैं और किसी पैलेट के सर्च में हैं, तो आप ये पैलेट बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पैलेट है ये, मैं सारे डिटेल्स आपको बता रही हूँ। जैसे इसकी प्राइस जो है वो 1050 रुपीज़ है और इसकी क्वांटिटी 14 ग्राम्स है। इसमें 12 शेड्स आपको मिले हैं। मैं आपको एक एक करके सारे स्वेचेस दिखा रही हूँ। सबसे पहले इसमें एक एप्लीकेटर मिला है, जो कि सो उतना अच्छा नहीं है। आप इसकी जगह एक मेकअप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये पैलेट जो है, इसमें सारे शेड्स जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। ये न्यूड शेड है, बिल्कुल स्किन कलर का है। तो बेस कलर जब आप चुनती हैं ना, तो आप इस शेड को अप्लाई कर सकती हैं बेस कोट के रूप में। उसके बाद ये ग्रे कलर की शेड है। ये डार्क ग्रीन। ये है लाइट पर्पल और ये है ब्राउन। ये न्यूड शेड है, इसे भी आप बेस के रूप में यूज कर सकते हैं क्रीज पे। उसके अलावा ये सारे ग्लिटर शेड्स हैं, मैं एक एक करके आपको इसे भी दिखाती हूँ। ये है सिल्वर, ये ग्रे है, ये है लाइट पर्पल, ये शेड थोड़ा ब्राउनिश है, ब्रोंज कलर भी आप इसे कह सकते हैं, और ये वाइट है। अगेन ये जस्ट लाइक सिल्वर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप इस पैलेट को यदि परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पैलेट लगी मुझे। तो कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो, इसे बताना ना भूले कमेंट करके, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।